Hi everyone, welcome back in the chemistry class. Today we will start the new topic, resonance effect or the electromagnetic effect. बहुत important effect है, organic chemistry में बहुत ज़्यादा इसकी requirement होती है. ये भी video बहुत important रहेगी, इस video को भी पूरा last तक देखना. I hope आपको सब कुछ clear हो जाएगा. इसमें practice थोड़ी सी करनी पड़ती है, resonance structures में आराम से clear हो जाते हैं. रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, नाम से क्लियर है कि इसमें रेजोनेंस कम यूज़ करते हैं या रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट. अब इसमें रेजोनेंस के टाइम क्या होता है, बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर. कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, फ्लो होगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू अदर होता है, क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं. By the phenomena of resonance is known as the resonance effect. एक दूसरा नाम भी है इसका, mesomeric effect. दोबारा सुन लो क्या बोला है मैंने, flow of electron from one part of a conjugated system to other, creating centers of low and high electron density. कहीं पर electron की density कम होगी, कहीं पर electron की density ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो phenomena हुआ है, that is called as the resonance effect. अब ये conjugated system में जो word बार बार बोल रहा हूँ, basically conjugated system वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं, एक डबल एक सिंगल. बहुत कॉमन इसका एग्जांपल है बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव. जितने बेंजीन हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं. जैसे हम क्लोरो बेंजीन में रेजोनेंस बना देते हैं, तो इसमें देखो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले यहाँ मूव करता है इन दोनों के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं. इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट टाइम क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ दिखाना होगा, ये मूवमेंट करा के यहाँ दिखाना होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया. सिमिलरली यही इलेक्ट्रॉन्स को आप आगे शिफ्ट करो तो इनको जाना पड़ेगा नेक्स्ट कार्बन में. एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसको हटा भी नहीं सकते, पाई इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो उस कार्बन की वैलेंस से डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसको लगाना ही होता है. समझेंगे, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया नॉन पेयर, वो आके सब कुछ ऐसे ये इलेक्ट्रॉन पे फाइनली यहाँ मूव करते हैं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर नॉन पेयर आ गया वापस. और बेंजीन में ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया जैसे पहले था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, बस इतना है कि पहले वहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और थी, अब कुछ और. जनरली हम ये दो बना देते हैं, बेसिकली इनके तीन बीच में स्ट्रक्चर ये भी बनते हैं. अच्छा, दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल. यदि कोई ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो वो कहलाता है प्लस आयन, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन में कर दिया. ये ग्रुप जो क्लोरीन है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहा है, उससे लेने का काम नहीं कर रहा. अब इसी तरह से फिनोल में कर सकते हैं हम, फिनोल में सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, बस एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, उसमें तीन थे, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर फिर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, जहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन मूव टू बिटवीन दीज टू कार्बन एटम और ये चले जाते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन पे, नेक्स्ट कार्बन पे. सॉरी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, सिमिलरली यहाँ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपके नेक्स्ट कार्बन पर चले जाते हैं, तो ये आगे यहाँ पे माइनस चार्ज और ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फाइनली इनको इधर और इनको ऊपर शिफ्ट कर, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए वापस जैसे थे. तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन के पहले जैसे स्ट्रक्चर जैसे से मैच हो गया है, बस आपकी बात डबल बॉन्ड की पोजिशंस में फर्क है. ये भी आपका प्लस आर का ही एक एग्जांपल है. प्लस आर में ग्रुप मैंने आपको बताया, जो ग्रुप होते हैं OH ग्रुप हुआ या Cl हुआ, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं. कुछ ग्रुप हमारे ऐसे हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सारे आपके प्लस आर इफेक्ट करते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, OH हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, इन सब के स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आएंगे, दे शोज प्लस आर इफेक्ट. अब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड आते हैं जैसे CHO ग्रुप, COOH ग्रुप या कीटोन ग्रुप COR या कोई एस्टर ग्रुप तो या NO2, ये सब आपके माइनस आर शो करते हैं. क्या करते हैं, दे विड्रोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग. बेंजीन को देते नहीं है, बेंजीन से भी उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रो करते हैं. देखो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इजीली मूव करते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन हम बड़े बीच में इसलिए बोल देते हैं बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली मूवेबल, वो आराम से मूव करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पीछे गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेक्स्ट टाइम दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स बिटवीन दिस टू कार्बन एटम, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. फाइनली इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर और इधर, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल. तो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर बनाओ, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगे.
और ये वाला जो एग्जांपल है माइनस आर का एग्जांपल हुआ, क्योंकि इसमें सी एच ओ ग्रुप था, इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं किए, उससे भी विड्रॉ कर लिए। दिस इफेक्ट इज नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट।